देखिए दोस्तों, जैसे ही योनो हम यूज़ में ला रहे हैं, बहुत दिनों से अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, योनो विल बी रजिस्टर विथ रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए आपके जो भी बैंक में है। एंड SMS विल बी सेंड फ्रॉम द सिलेक्टेड मोबाइल नंबर टू एनेबल वेरीफिकेशन। तो आपका वेरिफिकेशन के लिए ये दिया गया है। तो स्टैंडर्ड SMS चार्जेस शाल बी अप्लाई। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आपका SMS और जो है SMS डेटा रहेगा तो ये SMS बाइंड हो सकता है, अगर नहीं रहेगा तो ये एरर आपको आ जाएगा। देखिए तो ये एरर आ गया है, कैन नॉट सेंड मैसेज नाउ, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो ये एरर हटाना है तो आप अगला वीडियो कंटिन्यू देखें, आपको आसानी से आप ये एरर हटा सकते हो। तो देखते हैं वीडियो की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं सिद्ध आई टेक। तो दोस्तों, आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हो और आप योनो एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो, तो आप बहुत दिनों से अगर आप यूज़ में नहीं है आपके योनो ऐप, तो आपको एक एरर शो होगा जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कैन नॉट सेंड मैसेज नाउ, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। तो दोस्तों, इस एरर को हटाने का एक काफ़ी सिंपल तरीका है। आपको सिंपली आपको टेलीकॉम जो भी ऑपरेटर है आपका, एयरटेल हो, वोडाफोन, जियो, तो उनका आपको रिचार्ज करना होगा। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, 179 का आप आइडिया का रिचार्ज कर सकते हो। उसके बाद ये मैसेज जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास पहुँच जाएगा, तो आप लॉग इन कर सकते हो योनो में। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके पास जियो का सिम है तो आप 239 का रिचार्ज करने के बाद आप जब भी योनो ओपन करेंगे तो आपका मैसेज जो है टेलीकॉम कंपनी के पास पहुंच जाएगा, यानी सिम बाइंडिंग होगा। तो तीसरा जो है, एयरटेल का अगर आपका सिम है तो आप 155 का रिचार्ज करके आप सिम बाइंडिंग कर सकते हो, यानी कि योनो आप यूज़ में ला सकते हो। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।